Hey everyone, welcome back to my channel Divinity Tarot Expert Truth Always Exposes Darkness। तो आज का जो टॉपिक है गाइस वो इस तरह से है कि नेक्स्ट 48 आवर्स आपकी जिंदगी में किस तरह से रहेगा। सो ऑफ कोर्स इट विल बी अ टाइमलेस कलेक्टेड फॉर ऑल ज़ोडियक साइंस एंड इट इज अ जनरल प्रेडिक्शन। चैनल को लाइक शेयर सब्सक्राइब जरूर करें, इंस्टाग्राम में फॉलो करें @sudakshina1369 एंड यू कैन ऑल्सो सब्सक्राइब माई अनदर चैनल। सो लेट्स गेट स्टार्टेड, देख लेते हैं अगले 48 आवर्स में आपकी जिंदगी में क्या हो सकता है। गाइज इट विल बी अ टाइमलेस प्रेडिक्शन, मैं बार बार कह रही हूँ क्योंकि शायद आप लोगों को लगेगा कि नहीं ये नेक्स्ट 48 आवर्स की रीडिंग है तो हमारे लिए नहीं है, बट ऐसा नहीं है। जब भी आपके टाइमलाइन पे आएगा उससे नेक्स्ट 48 आवर्स तक वो रहेगा। ओके सो लेट्स सी, लेट्स फाइंड आउट। चैनल को लाइक शेयर सब्सक्राइब जरूर करें, इंस्टाग्राम में फॉलो करें @sudakshina1369 एंड यू कैन ऑल्सो सब्सक्राइब माई अनदर चैनल। ओके सो फर्स्ट ऑफ ऑल वी डू हैव द नाइट ऑफ वैंड्स, वी डू हैव द थ्री ऑफ पेंटिकल्स, वी डू हैव द एस ऑफ स्वॉर्ड्स, फाइव ऑफ वैंड्स, टेन ऑफ कप्स, फोर ऑफ स्वॉर्ड्स, जजमेंट, एस ऑफ कप्स, द हायरोफेंट, वी डू हैव द टू ऑफ वैंड्स, टू ऑफ कप्स। टू टू इज वेरी इंपॉर्टेंट। हो सकता है कि अगले 48 आवर्स में नहीं, 2 आवर्स में कुछ इस तरह से हो आपकी जिंदगी में, कुछ मैसेज आ जाए, कुछ कॉल टेक्स्ट आ जाए, कुछ इमरजेंसी सिचुएशन हो, इस तरह से भी मुझे दिख रहा है। यहाँ पे है कैंसर, पाइसेस, स्कॉर्पियो, कर्क, वृश्चिक, मीन राशि, टॉरस, वर्गो, कैप्रिकॉर्न, वृषभ, कन्या, मकर राशि, एक्वेरियस, जेमिनी, लिब्रा, कुंभ, मिथुन, तुला राशि यहाँ पे है। ओके एज वेल एज वी डू हैव द टॉरस एनर्जी, वृषभ राशि यहाँ पे है। आई डू फाइंड लाइक दैट यहाँ पे सारे साइंस आ चुके हैं। 10-10 नंबर यू कैन सी इट, 22-22 दैट इज 44 आप देख सकते हैं, 22-22 एंड यस ट्रिपल मुझे दिख रहा है 10-10-10। ओके सो 10-01-111। नाउ लेट्स स्टार्ट। नेक्स्ट 48 आवर्स में आपकी जिंदगी में कुछ नई शुरुआत होते हुए दिखाई दे रहा है। एक जैसे होता है ना, जब पूर्णिमा होता है, हो सकता है कि कुछ लोग जब इस रीडिंग को देखेंगे उस दौरान पूर्णिमा हो सकता है, राइट। नाउ बेसिकली द मून कंट्रोल्स आवर इमोशंस, सो आई डू फाइंड लाइक दैट एक इमोशनल सिचुएशन ठीक है आपकी ओर आ सकता है और आप काफ़ी ज़्यादा विचलित भी हो सकते हैं, आपको काफ़ी ज़्यादा घबराहट भी हो सकता है, आपको खुशी भी हो सकती है, आपकी मूड स्विंग्स भी हो सकती है, बट इस दौरान एक न्यू एनर्जी आपकी जिंदगी में आते हुए दिखाई दे रहा है एंड दैट इज ऑल्सो इन अ बिगर फॉर्म। सिर्फ मुझे नहीं दिख रहा है कि एंगेजमेंट या कोई सेलिब्रेशंस, बट आई डू फाइंड लाइक बिगर इंसिडेंट्स हैपनिंग इन योर लाइफ, बहुत बड़ा। ओके सो आई डू फाइंड लॉट्स ऑफ अमाउंट ऑफ यू कैन से दैट लिक्विड ओवर हियर, यहाँ पे आई डू फाइंड कि हो सकता है कि बेसिकली जैसे होना कि कुछ लोगों को दूध नहीं पसंद तो वो क्या करते हैं छोटे इतना, लेकिन उनको दूध पीना पड़ेगा, हो सकता है मम्मी बहुत ज़्यादा फोर्स कर रही है, बट यहाँ पे मुझे दिख रहा है कि आपके मनपसंद ड्रिंक्स को अगर आपके सामने पेश किया जाए तो ऑफकोर्स आप लार्जर अमाउंट में उसको कंज्यूम करना स्टार्ट कर दोगे। आई डू फाइंड लाइक दैट। सो इस तरह से पार्टीज, सेलिब्रेशन, एंगेजमेंट, किसी के साथ एक फ्रैंक कम्युनिकेशन, समवेयर यू विल गो फॉर डेट्स और वहाँ पे कुछ हो सकता है, आई डू फाइंड लाइक दैट। एंड फ्यूचर सेलिब्रेशंस हो सकता है कि आप अपने वाइफ के साथ या हस्बैंड के साथ कहीं और ट्रैवल करें, कुछ प्राइवेट रूम ऑफकोर्स होटल्स में रूम बुकिंग करें, अच्छा सा आप लोग समय बिताए एक दूसरे के साथ, क्वालिटी टाइम। हो सकता है कि हेक्टिक स्केड्यूल में आप लोग बहुत ज़्यादा अपने काम की वजह से दौड़ भाग करते रहते हैं, लेकिन आपके पर्सन आपको एक सरप्राइज दे सकते हैं, प्लेजेंट सरप्राइज, आई डू फाइंड लाइक दैट। एंड यस कुछ लोगों के लिए आपकी मूड थोड़ा सा
गुस्से वाला भी हो सकता है, मे बी आप जो भी चाहते हैं, हो सकता है कि तुरंत आपके पास अवेलेबल ना हो और उसके लिए आपको थोड़ा सा ट्रैवल करना पड़े और उस बात का इरिटेशन आपको हो कि देखो मुझे ऐसे भी अर्जेंट है, ऊपर से इमरजेंसी है सिचुएशन। हो सकता है कि आप एक डॉक्टर हैं और आपको बार बार बुला रहे हैं, आप ऑफिस से ऑलरेडी आ चुके हैं, आप अपना फैमिली के साथ समय बिता रहे हैं और उस दौरान आपके पास कोई इमरजेंसी कॉल आ रहा है, यू हैव टू रीच द ऑफिस, यू हैव टू रीच द हॉस्पिटल। ये भी हो सकता है, कोई अगर ऑफिस में भी है उसके साथ भी हो सकता है। बिजनेस टूर के लिए आप मे भी नहीं गए थे कहीं पे, आप अपने पर्सनल टूर के लिए गए थे, ठीक है, सो ऑफकोर्स विद योर पार्टनर, बट वहाँ पे भी कुछ कॉल्स ऐसे आ जाते हैं आपकी जो टीम है उनसे कि सर आप आ जाइए, मैम आप आ जाइए, क्योंकि सिचुएशन को हम हैंडल नहीं कर पा रहे हैं। एंड ड्यू टू दैट आप काफ़ी ज़्यादा बोर्ड फील करेंगे कि देखो मैंने रूटीन से थोड़ा सा अपना समय निकाला फिर भी ऐसा ऐसा कुछ हुआ। सो यू विल फील लाइक लेथर्जिक कि नहीं मुझे नहीं जाना है, ठीक है। नेक्स्ट 48 आवर्स में आपको मन नहीं करेगा थोड़ा सा ऑफिस या कहीं और जाए, थोड़ा सा आपको लगेगा कि थोड़ा आराम मिल जाता, नींद हो जाता तो कंप्लीट हो जाता। फॉर सम ऑफ यू आई डू फाइंड कि कुछ लोगों के लिए अगर आप बिजनेस ट्रांजैक्शंस करते हैं ओवरसीज में भी कुछ इन्वेस्टमेंट्स, वो आपके लिए फायदेमंद हो सकता है, बट प्रोवाइडेड इन अ कंडीशन कि आप स्टॉक मार्केट को काफ़ी अच्छा से एनालाइज करें, देखें, इन्वेस्टिगेशन करें एंड देन यू कैन रेस्पॉन्ड। ऊपर से मुझे दिख रहा है किसी के कम्युनिकेशन टेक्स्ट मैसेज कॉल आपको आ ही सकता है, मे बी जब आप देख लोगे रीडिंग को तब तक आ गया होगा या आने वाला होगा नेक्स्ट 1 आवर, या हो सकता है जिस तरह से आप रीडिंग को देख रहे हैं उससे 1 डे में भी हो सकता है। नाउ आई डू फाइंड लाइक दैट कि कुछ लोग एग्रीकल्चर सेक्टर में हैं, वहाँ पे आप सोचोगे कि किस तरह से नया बीज लेके आए हम और उससे काफ़ी ज़्यादा फसल हो, और जितना फसल होगा उतना ही आप प्रोडक्टिविटी ज़्यादा हो रहा है और आप उस सामान को मार्केट में बेच रहे हैं या उससे भी अच्छा प्राइस में आप बाहर उसको एक्सपोर्ट कर रहे हैं, मे बी आउट ऑफ द स्टेट या आउट ऑफ द कंट्री। दूसरा जगह मुझे यहाँ पे इस तरह से दिख रहा है कि आपको खुद प्रोटेक्शन लेने की ज़रूरत है फ्रॉम योर एनिमीज, फ्रॉम योर ऑपोजिशन, फ्रॉम डिफरेंट काइंड ऑफ थ्रेट। हो सकता है कि कुछ लोग षड्यंत्र करके आपको या आपके कुछ फ्रेंड्स को बुलाए किसी जगह पे, एंड आई डू फाइंड दैट कॉन्स्पिरेसी विल बी देयर। सो अगर आपको कोई अननोन लोग बुला भी रहे हैं सो उस जगह पे आप मत जाइएगा बिकॉज यू डोंट नो दैट पर्सन, मे बी 1-2 दिन आपका मुलाकात हुआ है, सो डोंट गो, बेटर डोंट गो देयर, ठीक है। आई डू फाइंड कि कुछ ऐसे भी राज थे आपके लाइफ में या किसी के लाइफ में जो आपको जानने की मौका मिलेगा, या आपके पर्सन खुद आके वो चीज़ बताएंगे। विद द 3 ऑफ पेंटिकल्स एंड द जजमेंट कार्ड, जिस तरह से रिवर्ड कंपेंसेशन आपको नहीं मिल रहा था बट ऑलरेडी आपने बहुत कुछ, आपका कंट्रीब्यूशन जो है आपने डाल दिया कंपनी में, ठीक है, कंपनी का प्रॉफिट के जो भी हिस्सा है कहीं ना कहीं पर आपको भी मिलना था लेकिन मिला नहीं। कुछ लोगों के लिए ऐसा भी हो सकता है कि आपने अपना जो कीमती वक्त है अपने पर्सनल लाइफ में ना देके प्रोफेशनल लाइफ में दिया बिकॉज यू वांटेड टू अर्न मोर, आप और रोजगार करना चाहते थे बट हुआ नहीं कुछ इस तरह से। बट आई डू फाइंड लाइक दैट कि येस ऑफकोर्स इट विल बी डन एंड विद इन अ शॉर्ट स्पैन ऑफ टाइम, ठीक है, आपको उस जगह पे रिकवरी, जैसे बोला जाता है ना रिकवरी, वो हो जाएगा, कंपेंसेशन मिल जाएगा, इंसेंटिव आपको मिलेगा, ठीक है, एप्रिसिएशन आपको मिलेगा। आई डू फाइंड बात इस बात का है कि आप इस नया को अपने स्पीड से लेके जाइए, ठीक है, आप मत सोचिए कौन इविल है, कौन वाइट स्पिरिट्स है, कौन क्या है, आप अपने बोट को आगे लेके जाइए, ऑफकोर्स यू विल रीच योर डेस्टिनेशन। आपके घर में हो सकता है कि इस कुछ समय के बाद एक पैरट दिखे या एक क्रो भी दिखे, ग्रीन पैरट, नॉट रेड वन, रेड ग्रीन नहीं, सिर्फ ग्रीन, ठीक है। मुझे लग रहा है हेल्थ के मामले में भी आपको
और भी अवेयरनेस होना चाहिए आपको अपने डाइट पे, मोर लीफी ग्रीन वेजिटेबल्स आपको खाना है। मे बी आप फास्टिंग भी रखोगे, हो सकता है कि आप रोटी चावल ये सब नहीं खाओगे और सिर्फ शाक भाजी इस तरह से कुछ खाओगे, कम ऑयल में खाओगे। मे बी यू हैव टू कीप फास्ट, मे बी फॉर दैट रीज़न, आई डोंट नो, कुछ रीजंस के वजह से हो सकता है कि आप फास्ट रखें। एंड आपको कुछ जगह पे प्रार्थना करना था इसलिए सुबह से लेके हो सकता है कि शाम तक आप फास्टिंग रख रहे थे, और उस दौरान आपको भी अपने स्वास्थ्य का पूरी तरह से ध्यान रखना पड़ेगा। एंड आई डू फाइंड लाइक दैट, हो सकता है कि आप अपने जीवन में अपने पार्टनर का लॉन्जिविटी, उनकी आयु का कामना आप करने के लिए कर रहे हो, या अपने ही आप मतलब रोजगार और भी ज़्यादा बढ़े इसलिए आप कर रहे होंगे, या आपकी घर परिवार सुखी संपन्न जीवन आप बिताओ इसलिए आप कर रहे हो। यू मे डिसाइड करोगे कि ठीक है ये मंथ में ही मैं कुछ खरीद लूँगा, शायद गाड़ी या कुछ, हो सकता है कि स्मॉल अपार्टमेंट, ठीक है, जो भी आप अफोर्ड कर पाए, पता नहीं क्यों। और हो सकता है कि आपके ऑफिस से एक लॉन्ग टूर सैंक्शन हो, पर स्पॉन्सरशिप वहाँ से ही मिलेगा आपको, आपको कुछ खर्चा नहीं करना पड़ेगा। सो लेट मी सी नेक्स्ट 48 आवर्स में आपकी जिंदगी में किस तरह से चेंजेस आते हैं। ओके, आई डू फाइंड रिमूव इविल एनर्जीज, ठीक है। सो आई डू फाइंड कि कॉर्नर्स ऑफ द रूम, आपके जो कॉर्नर एरिया है उसमें कुछ हो सकता है कि, जैसा होता है ना कि कॉर्नर जनरली अवॉइड हो जाते हैं, तो उसमें थोड़ा सा अगर गंदगी है निकालो, जल्द से जल्द निकालो, होली वाटर दो उसमें, गंगा जल छिड़काओ या कुछ भी, उसके बाद आप अगरबत्ती कर दो या प्रदीप मतलब दिया आप रखने की कोशिश करें, लेकिन सुपरविजन में, ठीक है। ओके, नेक्स्ट 48 आवर्स में क्या हो सकता है, गेनिंग इंसाइट्स ऑफ योरसेल्फ, आप अपने आप को और भी जान पाओगे और भी महसूस कर पाओगे, और तभी जाके आप खुद ही अपने आप को प्रोटेक्ट कर पाओगे। व्हील्स, जैसे मैंने आपको बताया कुछ पर्दाफाश हो सकता है किसी का, ठीक है, जिस तरह से आप देख रहे हो यहाँ पे हायरोफेंट एनर्जी है, बट आई डू फाइंड लाइक दैट यहाँ पे कबर से उसने अपने आप को, द डेड हैज बिकम अलाइव, तो यहाँ पे कुछ राज जो दफन थे वो एकदम सामने आएंगे। द 3 month पेशेंस, जो 3 महीने का पेशेंस अपने रखा है इसलिए यहाँ पे है जजमेंट, उसका फल आपको मिलेगा। रिट्रीट इनटू योर प्राइवेसी, आई टोल्ड यू दैट यहाँ पे क्या है, आप अपने प्राइवेट लाइफ जीते हुए दिखाई दे रहे हो, इसलिए मैंने आपको बताया था कोई प्राइवेट रूम फॉर एन होटल यू आर बुकिंग एंड यू आर स्पेंडिंग, ठीक है, या आप अपना प्राइवेसी को एंजॉय कर रहे हो, अगर आप सिंगल भी है तभी भी आप अपना पर्सनल स्पेस को एंजॉय कर रहे हैं। रेनबो इंद्रधनुष आपको दिख सकता है, या इंद्रधनुष का देखना कहीं पे भी वॉलपेपर में कहीं पे भी बहुत अच्छा माना जाता है। हाउस वार्मिंग सेरेमनी, मैंने आपको ये भी कहा आप डिसाइड कर लोगे कि मुझे छोटा हो बड़ा हो अपार्टमेंट खरीदना है, मुझे और रेंट में नहीं रहना है, शिफ्ट करना है, और वहां पे गृह प्रवेश हो सकता है। ओके, टिट फॉर टैट, जिसने जो किया उसके साथ वैसा ही होगा, दैट्स व्हाई अगेन द जजमेंट कार्ड। चेक योर पासवर्ड्स प्रोटेक्ट रखे, ठीक है, कोई भी हो, ठीक है, चाहे आपका ईमेल का हो, चाहे आपके डेस्कटॉप का हो, लैपटॉप का हो, कहीं पे भी हो, मोबाइल का हो, पासवर्ड्स थोड़ा सा संभाल के। बटरफ्लाईज, ड्रैगन फ्लाई, ग्रास हॉपर, ये आप देख सकते हैं, इधर तितलिया, इधर ड्रैगन फ्लाई या ग्रास हॉपर, ग्रीन कलर का ग्रास हॉपर। पॉलिसी रिन्यूड, कोई ऐसा आपके पास, जैसे मैंने आपको बताया कि मेल या नोटिफिकेशन आ सकता है कि आपको अपना पॉलिसी जो है वो रिन्यू करवाना है, तो उसके लिए पेमेंट कर दीजिएगा, शायद आप भूल गए होंगे, लेकिन स्ट्रेंज ड्रीम्स, अजीब सपने आ सकते हैं। ओके, अजीब सपने मतलब डरावना नहीं, लेकिन कुछ इस तरह से जो शायद आपको समझ में ना आए, मे बी माइंड ट्रिक्स भी खेल जाता है। अ सेंस ऑफ कम्प्लीशन, आपको लगेगा, आई टोल्ड यू बॉटम ऑफ द डेक जहाँ पे 2 of cups है और यहाँ पे है द वर्ल्ड, तो आपको अपने आप कंप्लीट महसूस आप जरूर करोगे, नहीं मुझे किसी का साथ तो मिला है। ओके, न्यू माइलस्टोन अचीव, कुछ अचीवमेंट आप जरूर करने वाले हैं। स्टे अवे फ्रॉम शुगर कोटेड पीपल, कुछ लोग मीठा बोलते हैं, उनसे प्लीज 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 हम्बल रिक्वेस्ट दूर रहिए।
ओके, यहाँ से हम देख लेते हैं नेक्स्ट 48 आवर्स में आपके लिए क्या हो सकता है, क्या मैसेजेस है फॉर द नेक्स्ट 48 आवर्स। डायरेक्शन गार्जियन चूज योर पाथ, मैंने आपको यही कहा कि आपका जो रास्ता है खुद आपने बनाया है या आपको दिया गया है उस रास्ते पे चलने के लिए, सो फॉलो दैट डायरेक्शन। ठीक है, अगर आपको लगता है कि वो रास्ता सही है तो वो डेफिनेटली सही होगा, क्योंकि आप अपने आप को जान पाओगे नेक्स्ट 48 आवर्स में और सही दिशा में भी आप जा रहे हो। हार्ड गार्जियन लव एंड लेट योर सेल्फ बी लव, खुद को प्यार करें और डेफिनेटली प्यारे बने। ओके, शेप शिफ्टर ट्रांसफॉर्म एंड अनवील योर गिफ्ट्स, और यहाँ पे क्या है व्हील्स, जो भी आपके अंदर हिडन टैलेंट है उसको आप बाहर निकालने की कोशिश कीजिए। यहाँ पे देखिए द टाइगर आई इज देयर, राइट, सो टाइगर जो है सिंबल ऑफ पावर, ठीक है, सिंबल ऑफ करेज, सिंबल ऑफ प्रोटेक्शन ऑल्सो, ठीक है। सो कहीं ना कहीं पे यू हैव टू बी इन दैट स्पिरिट, कि कहीं ना कहीं पे आपके अंदर जो हिडन जो है, ठीक है, छुपा हुआ है चीज, बाहर नहीं आ रहा है, क्योंकि आप जनरली इंट्रोवर्ट हो सकते हैं, आप बाहर उतना एक्सप्रेस नहीं करते हैं, लेकिन आप करो, अगर आपके अंदर कुछ कला है उसका सामने लेके आओ, यू शुड डू दैट। शेप शिफ्टर जो होते हैं वो जनरली अपने रूप बदलते रहते हैं, बट आप अपने रूप इस तरह से बदलो कि लोगों का बेनिफिट हो, ठीक है। लास्ट हम एक ओरेकल कार्ड देख लेते हैं, एक ही ओरेकल कार्ड मैं लेना चाहूंगी आप लोगों के लिए। ओके, इमोशनल फ्रीडम, कोई आपको रोक टोक नहीं कर रहा है, वो सब आपके मन की बहम भी हो सकती है, सो फ्लाई विथ योर इमेजिनेशन, जो आप कल्पना कर रहे हैं उसके साथ, ठीक है, आप चलिए। और आपको जो जैसे डेस्टिनी इज विथ यू, देयर आर स्नो फ्लेक्स, सो यूनिक पॉसिबिलिटीज, यूनिक ओपनिंग्स आर कमिंग टुवर्ड्स यू। सो दिस इज ऑल अबाउट टुडेज रीडिंग, आई होप यू लाइक इट, एंड इफ यू लाइक प्लीज डू सब्सक्राइब।